डीजीपी कह रहे हैं कि विपसना की मेडिकल जांच की रिपोर्ट की जांच होगी और जरूरत पड़ी तो सिरसा जाकर पूछताछ भी करेंगे। बेशक करना चाहिए। अब तक पिछले एक डेढ़ महीने से डीजीपी साहब, उनका पुलिस, उनका प्रशासन कर क्या रहा है? हर दूसरे दिन विपसना जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, हर तीसरे दिन कभी पंचकुला, कभी सिरसा, कभी कहीं एक बेचारी लड़की को पहले हनीप्रीत जी का चरित्र हरण करके मीडिया ने, प्रशासन ने ऐसा काम किया है कि बाप बेटी के रिश्तों पर लोग शक करने लगे। आज विपसना जी को अस्थमा का अटैक पड़ा है 3 बार। जितनी मर्जी बार उनका रिपोर्ट जांच कर ले डीजीपी साहब, बढ़िया है। डीजीपी साहब एक सुलझे हुए इंसान है, बड़े अफसर है, जब भी वो ऐसी जांच करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं कहता हूं जरूर उनकी जांच होनी चाहिए, और सिर्फ जांच नहीं होनी चाहिए, अगर विपसना जी बीमार है और उनकी हालत सीरियस है तो उन पर रहम भी करनी चाहिए, उनको राहत भी देनी चाहिए, उनको आराम भी करने दिया जाना चाहिए, और इतना ही नहीं उनका बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराना आज प्रशासन का काम है, क्योंकि वो अकेली आवाज नहीं, एक अकेली अबला लड़की नहीं है, वो 6 करोड़ लोगों की चेयरपर्सन है, डेरा सच्चा सौदा की वो चेयरपर्सन, उनका ध्यान रखना भी आज प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। आखिर इतनी पूछताछ हो चुकी है, क्या क्या बाकी रह गया है पूछना अभी, जो पूछताछ होगी अभी? देवेंद्र जी, बहुत अच्छा और मासूम सवाल है आपका, मुझे आप सब पर हंसी भी आती है, प्यार भी आता है, दुख भी होता है। इतनी पूछताछ के बाद क्या बचेगा? एक तरफ SIT का निर्माण हुआ और उसके पवार साहब ने कह दिया कि कोई भी असंवैधानिक काम डेरा सच्चा सौदा में नहीं होता, कोई भी गलत काम नहीं होता। कुछ दिन पहले जो मीडिया बड़ा चीख चीख के बातें कहता था कि नरकंकाल मिले, हथियारों का जखीरा मिला, नोटों से भरा कमरा मिला, आज वो खपरे गायब है। आज सिर्फ एक खबर बची हुई है कि कोई हंसराज आ जाता है, कोई तूर आ जाता है, कोई बोरा आ जाता है। 6 करोड़ भक्तों में से सिर्फ 6 गद्दार बाहर निकल कर आए हैं, जिन्होंने माँ बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया है। हिंदुस्तान गवाह है, कोई भी 120 से ज्यादा लोग मरे हैं, कोई भी इन पर बोलने को तैयार नहीं है, कहीं भी मोमबत्तियां नहीं जलाई गई, किसी के आंखों में आंसू नहीं आया, किसी के दिल में दर्द नहीं हुआ। वो कौन था जिनके छाती पे संगीने तान दी गई और गोलियां मार दी गई? वो कोई पाकिस्तानी था जिनका कत्लेआम पंचकुला में हुआ है? पंचकुला को जलियांवाला बाग क्यों बनाया गया? ये सवाल आज हिंदुस्तान की धरती पूछती है, आज नहीं तो कल इस प्रशासन को इस सवाल का भी जवाब देना होगा। उन मासूमों की हत्या करने का अधिकार आखिर किसने दिया था? जो दुदमुहे मारे गए, जो 60 साल के लोग मारे गए, जिनकी आपने जांच की थी, जिनकी आपने तसल्ली की थी, किस आधार पर उन बेगुनाहों के खून से सड़कों को लाल कर दिया आपने? ये सवाल आने वाले समय में हिंदुस्तान आपसे चीख चीख के पूछेगा। माननीय सरकार, माननीय DGP साहब, इस सवाल का उत्तर भी कहीं हो तो जनता को जरूर बताना। चाय पिलाओ मेरे भाई। ठंडा ये देवेंद्र कौशिक जी हैं, पंडित जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं।